सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल अकेडमी क्लास 11th एंड 12th पे। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर है हमारा 12th क्लास इंग्लिश के टर्म 2 के लिए होने वाला है जॉब लेटर्स एक्सप्लेनेशन विद प्रैक्टिस। तो आप लोगों को पता है कि राइटिंग सेक्शन के अंदर आपके जो मेनली दो टॉपिक्स आ रहे हैं वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करने हैं, जिनमें से एक है इन्विटेशन और दूसरा है जॉब लेटर। तो जॉब लेटर का जो ये टॉपिक है मैं बहुत ही अच्छे तरीके से कराऊंगा, मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा, समझाऊंगा कि सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को कैसे करना है। बस आपको एक छोटी सी चीज़ करनी है और वो ये है कि इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखना है, ताकि आपको एक एक बात जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो, ठीक है। इससे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, देखो मेरी एक प्लेलिस्ट है बच्चों जो कि 12th क्लास की है, और वो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जहाँ पे आपको टर्म 2 की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। क्योंकि मैं ऑलरेडी लिटरेचर जो है वो कंप्लीट कर चुका हूँ, और लिटरेचर कंप्लीट अगर मैंने कर लिया है तो इट मींस कि आपको लिटरेचर पूरा का पूरा प्रिपेयर कर लेना चाहिए मेरी वीडियोज के साथ। तो जिसने भी लिटरेचर को प्रिपेयर नहीं करा है, गो एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ज्वाइन करना है आप लोगों को हमें टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि टेलीग्राम पे आप लोगों को मिलती हैं हमारी क्लासेस की सारी अपडेट्स। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं उन सभी क्लासेस की अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती है। तो मेक श्योर आप टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लें। टेलीग्राम का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। कुछ नहीं करना होता, बस आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है और उस लिंक पे क्लिक करना है। आप डायरेक्टली लैंड करोगे हमारे चैनल पे, और वहां पे आप लोगों को मेरी क्लासेस की नहीं बल्कि जो बाकी एजुकेटर्स चैनल पे पढ़ाते हैं उन सबकी क्लासेस की सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो गो फॉर दैट, ठीक है। तो बच्चों आज की जो हमारी क्लास है वो है एज आई सेड जॉब लेटर के ऊपर, ठीक है। तो जॉब लेटर को समझते हैं, उसके ब्लूप्रिंट को समझते हैं, एक एक चीज मैं समझाऊंगा, ठीक है। बच्चों जॉब लेटर को और क्या कहा जाता है? जॉब लेटर को कहा जाता है जॉब एप्लीकेशन। जॉब लेटर को और क्या कहा जाता है? जॉब एप्लीकेशन कहा जाता है। और ये जॉब एप्लीकेशन जो होती है इसके दो पार्ट्स होते हैं, आपको दोनों पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। इसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जिनमें से एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं एप्लीकेशन, ठीक है। दूसरा जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं बायोडाटा, ठीक है। इसे हम बायोडाटा भी कह सकते हैं, या फिर हम इसे रिज्यूम भी कह सकते हैं, या फिर इसे हम सीवी भी कह सकते हैं। तो ये दोनों के दोनों पार्ट्स आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। हो सकता है कि आपके क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ एप्लीकेशन वाला पार्ट करने के लिए बोला जाए, बायोडाटा ना बोला जाए, लेकिन आपको ये भी आना चाहिए क्योंकि ये भी कहा जा सकता है। तो अगर क्वेश्चन में आप लोगों को मेंशन होगा कि आपको बायोडाटा, रिज्यूम या सीवी लिखना है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको इसको लिखना है, अदरवाइज आपको सिर्फ एप्लीकेशन वाला जो पार्ट है इसको करना होगा। समझ में आ गई बात? क्लियर। अब भाई जॉब लेटर हमारा जो है वो ऑब्वियस सी बात है एक फॉर्मल लेटर होगा। क्या होगा हमारा? ये एक फॉर्मल लेटर होगा, और कोई भी फॉर्मल लेटर अगर आप कर रहे होते हो तो वो वर्क के पर्पज से लिखा जाता है। वहां पे कोई भी फालतू की बात करी नहीं जाती, वो सिर्फ और सिर्फ वर्क ओरिएंटेड होता है, ठीक है। क्लियर। अब सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा कि भाई अगर हम इसे लिखते हैं तो इसका जो ब्लूप्रिंट होता है वो क्या होता है। अब ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है भाई? ब्लूप्रिंट का मतलब होता है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनके बेसिस पे हमें पूरा का पूरा जो लेटर है उसको ड्राफ्ट करना है, ठीक है। तो मैं एक बार आपको ब्लूप्रिंट बताता हूँ, आप इसको नोट करते रहना, ठीक है। सारी की सारी चीजों को नोट कर लेना जो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट क्या है बच्चों? ब्लूप्रिंट में हम सबको पता है कि जब भी हम एक फॉर्मल लेटर कर रहे होते हैं तो फॉर्मल लेटर के अंदर सबसे पहली जो चीज होती है वो क्या आती है? सबसे पहली चीज होती है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस मतलब जो व्यक्ति लेटर को लिख रहा है उसका जो एड्रेस है उसे हम सेंडर एड्रेस कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद एक लाइन का स्पेस और आता है डेट, ठीक है। तीसरी अगेन एक और लाइन का स्पेस और फिर आता है रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस का मतलब जिसको आप लेटर लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप किसी कंपनी के अंदर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उस कंपनी का एड्रेस आ जाएगा, ठीक है, सेंडर में आपका आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा बच्चों सब्जेक्ट, कि आपके लेटर का सब्जेक्ट क्या है। तो भाई सीधी सी बात है, आप अप्लाई कर रहे हो, किस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हो? तो अप्लाइंग फॉर द जॉब ऑफ या अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी आपकी पोस्ट है जिस पोजिशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो यहाँ पे मैंशन करनी होगी। और फिर आ जाएगा आपका सैल्यूटेशन, ठीक है। सैल्यूटेशन में आप सर या मैम ये लिख सकते हो। अब ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब आप सेंडर एड्रेस लिखते हो, ध्यान से सुनना, जब आप सेंडर एड्रेस लिखते हो तो सेंडर एड्रेस के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें स्ट्रीट एड्रेस भी आ जाता है, जिसमें टाउन भी आ जाता है, जिसमें सिटी या स्टेट भी आ जाता है। कैसे? जैसे अगर मैं एड्रेस लिखता हूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, P94 जनकपुरी न्यू दिल्ली,
B94 पहले आ गया, फिर जनकपुरी टाउन हो गया, फिर न्यू दिल्ली हो गया। समझ में आ गई बात? जब आप डेट लिखते हो तो डेट आपको किस तरीके से लिखनी है। लेट्स से आज हमारी तारीख है 31st, ठीक है, तो मैंने लिख दिया 31st December 2021। अगर कोई बच्चा इस तरीके से लिखता है ऐसे, तो ये यहाँ पे गलत माना जाएगा, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब रिसीवर एड्रेस की बात करते हैं, तो रिसीवर एड्रेस कैसे लिखेंगे भाई? सबसे पहले तो डेजिग्नेशन आएगा कि आप लिख किसको रहे हो भाई, कंपनी के अंदर आप किसको लिख रहे हो, मैनेजर को लिख रहे हो, डायरेक्टर को लिख रहे हो, किसको लिख रहे हो। दूसरा क्या आएगा, नेम ऑफ कंपनी, जिस कंपनी में या जिस इंस्टीट्यूशन के अंदर आप अप्लाई कर रहे हो, जरूरी नहीं है कंपनी हो, कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, ठीक है, और फिर उसका एड्रेस आ जाएगा। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है, ध्यान से सुनना, जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ होता है वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिनमें से पहला पार्ट होता है बच्चों रेफरेंस, और जो दूसरा पार्ट है दैट इज स्टेटमेंट। अब रेफरेंस और स्टेटमेंट इसका मीनिंग क्या है उसको समझो। देखो अगर आप कभी भी कोई लेटर लिखोगे तो भाई ऐसा थोड़ी ना है कि आप डायरेक्टली लेटर लिखने लग गए, आपको कहीं ना कहीं से तो सोर्स मिलेगा ना, आपको कहीं ना कहीं से तो ये बात पता चलेगी कि उस कंपनी के अंदर जो जॉब है वो खाली है, है ना। तो उस पोजीशन के बारे में आपको पता कैसे चला, हाउ हैव यू कम टू नो अबाउट द सेम पोजीशन, ठीक है। तो भाई सीधी सी बात है, आपको एडवर्टीजमेंट से पता चलेगा, आपको न्यूज़पेपर से पता चलेगा। तो आप यहाँ पे रेफरेंस दे सकते हो किसी भी एड का, ठीक है, और स्टेटमेंट में आप बता सकते हो कि आपको इस जॉब के लिए अप्लाई करना है। फिर आ जाएगा आपका सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ में आपको क्या बताना होगा भाई? सेकंड पैराग्राफ में आपको तीन चीजों के बारे में बताना है। देखो वैसे तो जो आपका बायोडाटा या रिज्यूमे हम लिखते हैं उसके अंदर हम अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में, हॉबीज, इन सारी चीजों के बारे में बता रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन आपको एक ब्रीफ जो कॉन्टेंट वाला पार्ट है उसके अंदर भी अपनी क्वालिफिकेशन को ब्रीफली बताना पड़ेगा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी क्वालिटीज क्या क्या है जिसके बेसिस पे आपको जॉब के लिए रखना चाहिए, आपका एक्सपीरियंस कितना है, ये सब हम बायोडाटा में भी बताते हैं, लेकिन बायोडाटा से पहले एप्लीकेशन पढ़ी जाती है, तो वहां पे हम ब्रीफली से बता सकते हैं, बहुत ज्यादा हमें एक्सपेंड नहीं करना, हमें ब्रीफली बताना है। और ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं कॉन्टेंट, इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? कॉन्टेंट कहते हैं। और ये वाला जो पार्ट है इसको हम कह सकते हैं इंट्रो, इसको हम इंट्रो कह सकते हैं, स्टार्टिंग वाला पार्ट कह सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है बच्चों आपका थर्ड पैराग्राफ। कौन सा पैराग्राफ? थर्ड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ में आपका क्या आ जाएगा भाई? थर्ड पैराग्राफ के अंदर आप क्या बोलोगे? दैट इज अटैचिंग द एप्लीकेशन। ध्यान सुनना, अटैचिंग द एप्लीकेशन नहीं, अटैचिंग द बायोडाटा। आप बताओगे कि आपने बायोडाटा या रिज्यूमे बोल सकते हैं हम उसे एनक्लोज किया है, अटैच किया है, और आस्किंग फॉर इंटरव्यू, मतलब कि अगर मेरी एप्लीकेशन सिलेक्ट होती है तो मैं इंटरव्यू के लिए कभी भी अवेलेबल हो सकता हूँ, इसके बारे में मुझे बताना होगा, ठीक है। फिर एक लाइन का स्पेस आएगा। अब एक लाइन के स्पेस के बाद क्या आएगा हमारा? एंडिंग सैल्यूटेशन, दैट इज क्लोजिंग भी कह सकते हैं, योर्स सिंसियरली, और यहाँ पे नेम आ जाएगा, या नेम की जगह मैं सिग्नेचर भी कह सकता हूं इसे। समझ में आ गई बात बच्चों? तो ये हमारे लेटर का ब्लू प्रिंट है, ये बेसिक ब्लू प्रिंट है। अब जब इस ब्लू प्रिंट को मैंने बता दिया है लेटर वाले पार्ट को, तो इसके बाद हमारा बायोडाटा वाला पार्ट भी होता है, तो मैं चाहूँ तो बायोडाटा वाले पार्ट के बारे में भी बता सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार क्वेश्चन समझाऊंगा कि हमें जो क्वेश्चन करना है वो किस तरीके से करना है। तो एक बार हम क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखूंगा, और क्वेश्चन को ना एक बार नोट जरूर कर लेना, मेक श्योर यू नोट ऑल द थिंग्स ना, क्योंकि जब तक चीजों को आप नोट नहीं करते, जैसे मैंने ये देखा है कि कई सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो वीडियो देखते हैं और वो अपने कोर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं, बट वो सही मायने में ना अपने कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पाते। तो उसका रीजन क्या है कि वो अपने कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पाते? ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से उनके अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते, जो मार्क्स वो डिजर्व करते हैं वो मार्क्स नहीं आ पाते? तो मुझे ऐसा लगता है उसका जो सबसे मेन कारण है वो यही है कि दे आर जस्ट यू नो लर्निंग थिंग्स बट दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग थिंग्स, वो चीजों को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, और दे डू नॉट हैव अ प्रॉपर यू नो वे कि मुझे इसी रास्ते पे चलना है और इस तरीके से चलना है। जब कभी आपके सामने YouTube पे वीडियो आ गई कि हाँ भाई सुमित भैया के सामने वीडियो आ गई है, चलो क्या कराया देख लेते हैं थोड़ा सा, तो भाई देयर मस्ट बी अ प्रॉपर टाइम, या तो आप लाइव क्लास को अटेंड करो, या आप लाइव नहीं कर पा रहे हो तो आप क्लास को रिकॉर्डेड अटेंड करो, और उसका एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए जिसपे आप आओ और अटेंड करो उसको, और उसके बाद अगर आपको डाउट्स होते हैं तो आप डाउट पूछो, अगर लाइव हो तो चैट पे पूछो, अगर नहीं हो तो टेलीग्राम पे पूछो कि सर यहाँ पे मुझको डाउट है, अगर मैं रिप्लाई जल्दी नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं कर दूंगा जैसे ही मुझे आपका मैसेज दिखेगा। कई बार कई सारे मैसेज आते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस पे ध्यान दो, एक पर्टिकुलर नोटबुक बनाओ जहाँ पे सारी की सारी चीजों को लिखो,
तभी तो जाके आपका एक इम्पैक्ट क्रिएट होगा ना, तभी तो जाके एक डिफरेंस क्रिएट होगा। अगर आप सोचोगे कि मेरा तो ऐसे ही डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, ऐसे थोड़ी ना होता है भाई, ऐसे थोड़ी ना होता है। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ती है, तभी चीजें जो है वो शेप लेती हैं। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो उस क्वेश्चन को देखते हैं और आप इस क्वेश्चन को नोट कर लेना एक जगह पे, राइट डाउन द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि आपका नाम दे दिया, यू आर अनिल स्लैश अनिता, आपका नाम दे दिया। ठीक है, फिर ये बता दिया आप कहाँ के रहने वाले हो, लिविंग एट C4E चनकपुरी न्यू दिल्ली, फुल स्टॉप। फिर आपको कंडीशन दे दी कि आपने एक एडवर्टीजमेंट पढ़ा है, यू हैव रेड एन एडवर्टीजमेंट, किस चीज के लिए, फॉर द जॉब ऑफ एन इंग्लिश टीचर, इंग्लिश टीचर की जॉब के लिए है इन एमबीडी पब्लिक स्कूल, एमबीडी पब्लिक स्कूल में, क्योंकि कहां पे है मान लेते हैं हम द्वारका में है। ठीक है, द्वारका न्यू दिल्ली, फुल स्टॉप। अप्लाई फॉर द जॉब, आपको क्या करना है, जॉब के लिए अप्लाई करना है एंड अटैच योर बायोडाटा या रिज्यूमे विद द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के साथ आपको इसको भी अटैच करना है भाई। अब इसे कैसे करा जाएगा, ठीक है, तो सबसे पहली चीज इसके अंदर आप देखो, आपका नेम गिवन है अनिल या अनीता, तो ये आपके सिग्नेचर में आएगा इस जगह पे। ठीक है, फिर आपका एड्रेस गिवन है C4E जनकपुरी न्यू दिल्ली, तो ये जो एड्रेस आप लोगों को दे रखा है ये आपका कहाँ पे आएगा, सेंडर एड्रेस में आ जाएगा, स्ट्रीट टाउन सिटी स्टेट जो बताया मैंने उसी हिसाब से। फिर आपको दे रखा है कि आपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, इंग्लिश टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है स्कूल में, तो यहाँ पे कोई कंपनी जो है एक तरीके से स्कूल है, एक इंस्टीट्यूशन है ना, तो अप्लाइंग फॉर द जॉब ऑफ एन इंग्लिश टीचर। ठीक है, अब अप्लाई कहाँ पे करना है आपको, एमबीडी पब्लिक स्कूल को करना है द्वारका न्यू दिल्ली, लेकिन ये गिवन नहीं है कि वहां किसको अप्लाई करना है, तो आप एज्यूम करके प्रिंसिपल भी लिख सकते हो। और इसमें मेंशन किया गया है कि आपको रिज्यूमे जो है वो अटैच करना है, इसका मतलब ये जो एप्लीकेशन वाला खत्म हो जाएगा पार्ट, उसके बाद आप रिज्यूमे अपना लिख सकते हो। सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ जाएगा ना, तो क्वेश्चन की दुम आपके हाथ में आ गई है, उसके बाद आप अपनी मर्जी से आंसर लिख सकते हो, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखो। देखो अब मैं तुम्हारे को लेटर लिख के दिखाऊंगा, पूरा का पूरा समझाऊंगा कैसे करना है, लेकिन उससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहता हूं बच्चों, और वो ये है कि कई सारे बच्चों की प्रिपरेशन मैं करा रहा हूं, देयर इज नो डाउट, मैं पूरी पूरी मेहनत कर रहा हूं कि आप लोगों की प्रिपरेशन यूट्यूब और स्पेशल क्लासेस जो फ्री वाली हैं उनके साथ ही बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चा है कोई, वो पूरी पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहता है, कई बार डाउट्स आते हैं, तो ऑन द स्पॉट जो एक पर्टिकुलर क्लास है उसमें मेरे से बात करके अपने डाउट पूछना चाहता है ना, तो उस केस में आप एनरोल कर सकते हो हमारे बैच के लिए जो कि है शाइन फॉर टर्म टू। ये मेरा बैच है जो कि 4 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, वैसे तो इसका देखो डेट जो है वो 3rd जैन है, लेकिन मेरी जो फर्स्ट क्लास होने वाली है वो 4 जैन को होने वाली है, और इसकी ड्यूरेशन है 2.5 महीने। 2.5 महीने के अंदर आपकी पूरी की पूरी जो प्रिपरेशन है वो मैं करा दूंगा इंग्लिश के लिए। खास बात क्या है इस बैच की, खास बात यह है कि मैं इसमें जो चैप्टर है लिटरेचर, अभी तक हमने जो लिटरेचर करी है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करी है, समरी के बेसिस पे करी है, लेकिन इस बैच की खास बात यह है कि इसके अंदर मैं सारे चैप्टर जो है वो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके कराने वाला हूँ, तो आप इस वाले बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि 12th क्लास के बच्चों को सिर्फ 3 मंथ्स के लिए कोर्स परचेज करने की जरूरत है, अगर वो 3 मंथ्स वाला कोर्स भी परचेज करेंगे तो वो भी उनके लिए मोर देन इनफ होगा। और 3 मंथ्स वाले कोर्स को परचेज करने के लिए आपकी जो फीस है वो कितनी है, सिर्फ 7500 रुपीज है बच्चों। 7500 रुपीज में आपको 10% ऑफ मिल जाता है, 10% ऑफ मिल जाता है, जिसके अंदर आपको 750 का ऑफ मिल जाएगा, और आपकी फीस कितनी होगी, 6750 होगी। और इस 6750 में ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश का कोर्स होगा आपका 3 मंथ्स के लिए, आप जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब पढ़ सकते हैं। जैसे मान लो अगर आप यहाँ पे किसी भी एजुकेटर से पढ़ना चाहते हो, जैसे फिजिक्स अगर अर्शप्रीत मैम से पढ़ना चाहते हो तो अर्शप्रीत मैम से पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आप एस मनी सर से फिजिक्स पढ़ना चाहते हो तो उनसे भी पढ़ सकते हो, दोनों ही एजुकेटर बेस्ट हैं। केमिस्ट्री आप पढ़ना चाहते हो तो राहुल द्विवेदी सर से भी पढ़ सकते हो। मोनिका बेदी मैम का भी 27 दिसंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो।
मैथ्स के लिए आप विशाल महाजन सर से पढ़ सकते हो, या फिर अगर आपको विशाल महाजन सर से नहीं पढ़ना तो आप राहुल मोहनानी सर से भी पढ़ सकते हो। इंग्लिश मेरे से पढ़ सकते हो, अगर मेरे से नहीं पढ़नी तो कीर्ति शर्मा मैम है, ये भी इंग्लिश बहुत अच्छी पढ़ाती हैं, इनसे पढ़ सकते हो कोई चैप्टर अगर समझ नहीं आ रहा तो, है ना। और तमसा मैम से आप पढ़ सकते हो बायोलॉजी, ठीक है। इसके अलावा अशोक मीना सर है, उनसे भी आप चाहो तो बायोलॉजी पढ़ सकते हो। तो ये बैचेस हैं, और हाँ एक बैच के लिए एनरोल नहीं होते, आप सारे बैचेस के लिए हो जाते हो, आप जितने भी एजुकेटर का जितना भी कंटेंट है वो सारा का सारा यहाँ पे पढ़ सकते हो। और जैसा कि मैंने बताया फीस बच्चों ज्यादा नहीं है, देखो यहाँ 6 मंथ का पैकेज लिखा है लेकिन मैं 3 मंथ्स का भी आपको बता देता हूँ। 3 मंथ्स का पैकेज कितने का है, 7500, जिसमें आपको 750 का मिलेगा ऑफ, फीस होगी आपकी टोटल 6750। और ऐसा कब होगा, जब आप इस कोड को यूज करोगे, दैट इज SUTH10, पे करते हुए आपको इस कोड को लगाना होगा और प्रोसीड करना होगा पे करने के लिए। और अगर तुम में से कोई ये चाहता है कि यार मुझे पर्सनल एजुकेटर पर्सनल मेंटोर चाहिए, तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इसमें क्या होता है, आपको वीकली रिपोर्ट तैयार करके आपका पर्सनल एजुकेटर देता है, आपका स्टडी प्लान बना के देता है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है ना। पेरेंट्स के साथ आपकी बात होते रहती है आपके एजुकेटर की, तो इससे पेरेंट्स को भी पता चलता रहता है कि आपका परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है, पेरेंट्स को ट्रस्ट होता है फिर ऑनलाइन लर्निंग पे ना। पर्सनल मेंटोर आपको मिल जाता है। यहाँ 3 मंथ्स का जो कोर्स है अगर आप ले रहे हो तो वो 12,000 का है, जिसमें आपको 1200 का ऑफ मिल जाएगा, 10,800 रुपये का आपको कोर्स मिलेगा, जिसमें आप सारे सब्जेक्ट्स के लिए आपको एक तरीके से एक पर्टिकुलर मेंटोर मिलेगा जो आपको गाइड करेगा, और साथ में सारे कोर्सेज का आपको एक्सेस मिल जाएगा। और दूसरी चीज, अगर आइकॉनिक और प्लस में देखा जाए तो आइकॉनिक की पहली प्रायोरिटी होती है, आपके डाउट्स को पहले सॉल्व किया जाता है, तो इस चीज को आप ध्यान रखो। आप चाहो तो आइकॉनिक भी ले सकते हो, बट डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड, ठीक है। चलो बच्चों वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, तो अपने टॉपिक पे कंटिन्यू करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं करके दिखाता हूँ, तुम्हें समझाता हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, सीपोरी जनकपुरी न्यू दिल्ली, ठीक है भाई, सीपोरी जनकपुरी न्यू दिल्ली, ये हमारा सेंडर एड्रेस है। तो मेरे को स्ट्रीट टाउन सिटी इस तरीके से लिखना है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई अगले पेज पे, C4E स्ट्रीट टाउन, वैसे तो लोकेलिटी है वो, जनकपुरी न्यू दिल्ली, अगर फ्लैट नंबर दिया है तो उसके हिसाब से आ जाएगा। अब एक लाइन का स्पेस देना है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, देखो ब्लूप्रिंट में डेट आएगा, डेट मैंने बताया था कैसे लिखना है, तो अगर मैं आज की डेट लिख रहा हूँ तो आई कैन राइट लाइक दिस 31 दिसंबर 2021, ठीक है। अब मैं किसको लिख रहा हूँ, क्या क्वेश्चन में डेजिग्नेशन गिवन है, किसको लिखना है मुझे, नहीं गिवन है, तो मैं लिख दूंगा द प्रिंसिपल, ठीक है। ये PAL वाला प्रिंसिपल स्कूल का प्रिंसिपल है, और PLE वाला प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, ठीक है। अब क्या लिखा है, स्कूल का नाम क्या था, MBD पब्लिक स्कूल, ये स्कूल का नाम था, देखो यहाँ लिखा भी है MBD पब्लिक स्कूल, और फिर इसके बाद द्वारका न्यू दिल्ली, ठीक है। ये आपका रिसीवर एड्रेस आ गया। अब क्या आएगा भाई, सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट क्या आएगा, अप्लाई कर रहा हूं मैं, किस चीज के अप्लाई कर रहा हूं, फॉर द जॉब ऑफ एन इंग्लिश टीचर, ठीक है। इस तरीके से दो लाइन में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। स्पेस नहीं होगा तो लिख देना फिर ये सर मैम, लेकिन इसमें खास बात क्या है जो ध्यान रखनी है आपको, स्पेस, यहाँ पे स्पेस आना चाहिए, ये स्पेस आना चाहिए, यहाँ स्पेस आना चाहिए, यहाँ स्पेस आना चाहिए, ये सारा आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आता है आपका फर्स्ट पैराग्राफ, और मैंने बताया ही था कि फर्स्ट पैराग्राफ में क्या आएगा, सबसे पहला काम आपको रेफरेंस लिखना है और फिर स्टेटमेंट लिखना है। रेफरेंस किस चीज का है भाई, न्यूज़पेपर का। अब ध्यान रखना इसके नीचे से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया कि इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट, मतलब आपने जो एडवर्टीजमेंट दिया था उसके रिस्पॉन्स में, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड, जो पब्लिश हुआ था, इन द क्लासिफाइड कॉलम्स, क्लासिफाइड कॉलम्स कौन से होते हैं, जो न्यूज़पेपर के पेड एडवर्टीजमेंट कॉलम्स होते हैं, वहां पे न्यूज़पेपर का एडवर्टीजमेंट मैंने देखा है, तो उसके रिस्पॉन्स में मैं लिख रहा हूँ ऑफ रिपीटेड डेली, रिपीटेड डेली, रिपीटेड न्यूज पेपर को ही डेली बोला जाता है। मैं चाहूँ तो नाम भी लिख सकता हूँ न्यूज पेपर का, अगर जिसमें मैंने देख रखा है क्वेश्चन में गिवन है तो वही आ जाएगा। और फिर मैं डेट भी लिख सकता हूँ, डेटेड, जैसे आज मैं लिख रहा हूँ तो मान लो 30th का एडवर्टीजमेंट मैंने देखा था, तो 30th दिसंबर आई हेयर बाय, अब स्टेटमेंट वाला पार्ट, आई हेयर बाय ऑफर माई सेल्फ एज अ सुटेबल कैंडिडेट, मैं अपने आप को ऑफर कर रहा हूँ एज अ सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस जॉब, इस जॉब के लिए,
ये स्मॉल में आएगा जी, ठीक है। अब ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया, रेफरेंस और स्टेटमेंट वाला पार्ट आ गया, ठीक है। अब इसके बाद आपका सेकंड पैराग्राफ आएगा, तो सेकंड पैराग्राफ किस चीज का होगा भाई, कंटेंट का होगा, देयर इज नो डाउट कंटेंट का होगा हमारा सेकंड पैराग्राफ। तो सेकंड पैराग्राफ को एक बार लिख के देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सेकंड पैराग्राफ में मैंने बताया था तीन चीजें मेन आएंगी आपकी, जिसके अंदर सबसे पहले आपकी क्वालिफिकेशन को आप ब्रीफली बता सकते हो, फिर आप अपनी क्वालिटीज को बता सकते हो, और फिर आप अपने एक्सपीरियंस को बता सकते हो, ठीक है। चलो, तो आई एम फर्स्ट डिवीजन होल्डर, आई एम अ फर्स्ट डिवीजन होल्डर इन साइंस कॉमा ग्रेजुएटेड फ्रॉम प्रेस्टीजियस, ब्रीफली बता दिया मैंने, दिल्ली यूनिवर्सिटी। स्टॉप। आई एम a dynamic, ambitious, comma, diligent, and diligent means passionate towards work, and straightforward person. Who has a very good command ओवर इंग्लिश, ठीक है भाई, हो गया क्वालिटीज। फिर मैंने लिख दिया आई ऑल्सो हैव एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग द जॉब। बच्चों जो टीचर की पोस्ट है ना, उसके हिसाब से भी आप अपनी क्वालिफिकेशन लिख सकते हो, लाइक बी बैचलर इन एजुकेशन बी एड, तो हैव एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग द जॉब, हैंडलिंग द स्टूडेंट्स लिख दिया मैंने जॉब के हिसाब से, समझ में आ गई बात, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों क्या आ जाएगा, आपका थर्ड पैराग्राफ आ जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, थर्ड पैराग्राफ आ जाएगा। और थर्ड पैराग्राफ जो होगा वो किस चीज के ऊपर बेस्ड होगा, मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया था कि मैंने अपना जो बायोडाटा है वो एनक्लोज किया है, रिज्यूमे में अटैच किया है, और इंटरव्यू के लिए पूछना होगा हमारे को, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, इसके नीचे एक लाइन का स्पेस छोड़ के लिखना है हमें, आई हैव एनक्लोज्ड माय रिज्यूमे with the application full stop, फिर last part, in case my application is selected, अगर मेरी application जो है वो select होती है, then I can be available for the interview at any time. फिर एक लाइन का स्पेस, ठीक है, योर्स ऐसे लिखेंगे सिंसियरली, और यहां पे नेम या सिग्नेचर लिख देंगे हम। नेम क्या दे रखा है क्वेश्चन में, देखो नेम दे रखा था हमें अनिल या अनिता, है ना, वही लिख देंगे हम, नोट कर लो भाई लोग, साथ के साथ चीजों को नोट करा करो, ठीक है। जब नोट करोगे ना और एक प्रॉपर रजिस्टर बनाओगे और चीजें जब प्रॉपरली ढंग से होंगी तो मजा आएगा पढ़ने के अंदर, ऐसा लगेगा कि हाँ यार एक पूरी क्लास चल रही है प्रॉपर, जिसका एक पर्टिकुलर टाइम है, उस पर्टिकुलर टाइम पे सर आते हैं हमारे को पढ़ाते हैं और उसके बाद हम प्रैक्टिस करते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस गेन होता है और फिर एट द एंड एकदम से स्ट्रेस नहीं आता इंग्लिश को लेकर। जैसे कई सारे बच्चों को मैं देखता हूँ लास्ट के 10 मिनट 10 दिन के अंदर उनकी बहुत ज्यादा अपने आप से एक हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि यार मैं 10 मिनट के अंदर पता नहीं कितने झंडे गाड़ दूं, तो ऐसा नहीं चलता बच्चों। 10 दिन में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो अपने को उस सिचुएशन तक जाना ही नहीं है ना, हमारे को पहले से ही अपनी प्रिपरेशन को इतना ज्यादा अच्छे तरीके से करना है कि हमारे को वहां डाउट ही ना हो कि यार मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वहां पे रिस्क का कोई पॉइंट होना ही नहीं चाहिए, मेरा ये पर्सनली मानना है, और बाकी तो भाई तुम्हारी मर्जी है, तुम ज्यादा समझदार हो ही, ठीक है। अब इसमें ये चीज ध्यान रखनी है, जैसे ये योर्स मैंने लिखा हुआ है ना, कई सारे बच्चे ऐसे लिख देते हैं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ऐसे नहीं लिखना है आपको, ऐसे लिखना है, पॉसेसिव है, ठीक है, इट्स पॉसेसिव। अब आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब बचा हुआ है बच्चों हमारा बायोडाटा वाला पार्ट। बायोडाटा वाला पार्ट बताने से पहले बच्चों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहा है बच्चों, दिस इज द राइट टाइम,
अगर आप में से किसी को लगता है कि यार मैं तो सब्सक्रिप्शन लेना ही चाहता हूँ, दैट इज ओके, बट आई वॉन्ट कि यार मैं अपनी प्रिपरेशन जो है उसको 3 मंथ्स के बाद एक्सटेंड करूं किसी भी रीजन से. मे बी हो सकता है कि आपका कोई सिबलिंग है, दैट पर्सन रिक्वायर्स द प्रिपरेशन आफ्टर यू एज वेल. तो आप चाहो तो इससे बड़ा सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो. 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेने पे आप लोगों को 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है, जिसमें आपका 18 महीने हो जाते हैं, और 18 महीने में आपकी भी प्रिपरेशन हो जाएगी, उस पर्सन की भी हो जाएगी. तो इससे आप लोगों को ही एट द एंड फायदा होगा, क्योंकि इसका जो चार्ज है बच्चों वो और कम है. 15,000 फीस होती है, जिसमें 1,500 का आपको ऑफ मिलता है मेरा कोड यूज करने पे, SUTH10. तो आपकी जो फीस होती है वो 13,500 हो जाती है. समझ में आ गई बात? चलो, वेरी गुड. तो आई होप आप लोगों को बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया होगा. अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आप लोगों को बायोडाटा के बारे में बताता हूँ कि बायोडाटा अगर हमारे को लिखना है तो हम किस तरीके से लिखेंगे. देखो, सबसे पहली चीज, जब आप बायोडाटा या रिज्यूमे लिखते हो तो आपको हेडिंग डालनी होगी बायोडाटा या रिज्यूमे, ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे कई सारे बच्चे सोचेंगे कि यार नाम अलग अलग है, काम अलग अलग तो नहीं है. बच्चों, सीवी को फुल फॉर्म में होता है क्योरिकुलम विटे. क्या होता है? क्योरिकुलम विटे. इसका मतलब होता है वर्क एक्सपीरियंस रिकॉर्ड. तो स्पेशली जब क्वेश्चन में ही एक्सपीरियंस डिमांड किया जाता है तो आप इस वर्ड को भी यूज कर सकते हो, या क्वेश्चन में ही वर्ड बोला गया है कि अटैच द सीवी, तो वहां पे आप सीवी वर्ड को यूज कर सकते हो बायोडाटा या रिज्यूमे की जगह, ठीक है. तो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा बहुत नेम का डिफरेंस है, वो आप अपने हिसाब से चल सकते हो, ठीक है. अब इसके बाद ध्यान किन चीजों का रखना है आपको. अब देखो, बायोडाटा जब आप लिखते हो ना, तो वहां पे बायोडाटा 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है, ठीक है. जिनमें एक होता है बच्चों आपका पर्सनल प्रोफाइल, ठीक है. दूसरा होता है आपका एजुकेशनल प्रोफाइल, ठीक है. तीसरा होता है आपका वर्क प्रोफाइल, ठीक है. ये 3 चीजें हैं. तो मेरे हिसाब से पहले हमें पर्सनल प्रोफाइल के बारे में बताना चाहिए, फिर हमें एजुकेशनल प्रोफाइल के बारे में बताना चाहिए, और फिर हमें वर्क प्रोफाइल के बारे में बताना चाहिए. अब जब पर्सनल प्रोफाइल की बात आएगी तो बच्चों उसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं भाई? उसमें हमारा नेम आ सकता है, नो डाउट फादर्स नेम आ सकता है, उसमें हमारा एज आ सकता है, उसमें हमारा जेंडर आता है, मैरिटल स्टेटस आता है, लैंग्वेज नोन आता है, हॉबीज आता है, ये सारी चीजें आती हैं. एजुकेशनल प्रोफाइल की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे ऑब्वियस सी बात है हमारी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में हम लिख सकते हैं. एकेडमिक क्वालिफिकेशन का मतलब जो हमारी स्कूलिंग है, जो ग्रेजुएशन है, उसके बारे में हम बता सकते हैं. दूसरा, हम एडिशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बता सकते हैं, जैसे कोई डिप्लोमा मैंने कर रखा है किसी भी चीज में, जैसे लैंग्वेज में कर रखा है, या फिर इसके अलावा मुझे कंप्यूटर की कोई नॉलेज है तो उसके बारे में बता सकता हूँ. और वर्क प्रोफाइल की जब बात करेंगे तो हम यहाँ पे मेनली एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं, जिसमें हम अपनी जो कंपनी या जो भी स्कूल्स, अगर मैं टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मैंने किसी इंस्टीट्यूट या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, तो मैं उसके बारे में बता सकता हूँ. तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए. अब इन पॉइंट्स को ही हमारे को टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखना होता है. ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, बहुत आसान होता है, ठीक है. देखो, सबसे पहले आप लिख दोगे बायोडाटा या रिज्यूम एज अ हेडिंग. दोनों नहीं लिखना, आपको कोई एक वर्ड यूज करना है, ठीक है. फिर आपको यहां से स्टार्ट करना है पूछना, ठीक है. अब लेफ्ट साइड में जितनी भी चीजें हैं वो आप कैपिटल लेटर में लिख सकते हो, जैसे नेम आ गया, फिर इसके बाद आपका फादर्स नेम आ गया, ठीक है. फिर एज लिख दिया आपने, फिर आपने जेंडर लिख दिया, देन मैरिटल स्टेटस. अब आप कहोगे सर साथ के साथ आप क्यों नहीं लिख रहे हो? क्यों नहीं लिख रहा हूँ? कई सारे बच्चे क्या करते हैं, नेम लिखते हैं, फिर यहाँ पे सेमी कॉलम लगा देते हैं, फिर एक यहाँ 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 लगा देते हैं. बेटा ऐसे नहीं, सांप सीढ़ी नहीं खेलना है हमारे को. समझ में आ गई बात? अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट को फॉलो करना है, ठीक है. जैसे आप जब लिख रहे हो तो इसका भी एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट होना चाहिए, और जब आप सेमी कॉलम का यूज करोगे, आप हाइफन का यूज करोगे बताने के लिए हर एक चीज को, तो वो भी एकदम सीधा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए. हाइफन की जगह मेरा मानना है कि आप सेमी कॉलम को यूज करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा. इस तरीके से आप यूज कर सकते हो, एक के नीचे एक. देखो अब यहां तो मैं इतना ज्यादा नहीं समझ कर पाऊंगा मैनेज, ठीक है, लेकिन आपको ये करना होगा, ठीक है. इसके अलावा फिर आपका हॉबीज आ सकता है, नेशनलिटी भी होता है, ठीक है. ये सारी चीजें समझ में आ गई, ठीक है, सारी चीजें हो गई आई थिंक मेरे हिसाब से.
लैंग्वेज नोन, एक चीज बची हुई है लैंग्वेज नोन, तो आपने लैंग्वेज नोन भी लिख दिया। ठीक है भाई, ये सारा कैपिटल में लिख रहे हैं, ये अपना नॉर्मल लिखेंगे साइड लेफ्ट हैंड साइड पे। तो जब हम इसे लिखेंगे, अब इसको भी अलाइनमेंट में ही फॉलो करना है, सुमित ठाकुर, फिर ऐसे ही मैंने कुछ भी यहाँ पे लिख दिया, एज मैं अपने हिसाब से लिख देता हूँ 28, जेंडर लिख दिया, फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा हर एक का, भाई हम तो शादीशुदा हैं तो मैरिड लिख दिया हमने, फिर हॉबीज लिख दिया, ठीक है, रीडिंग नॉवेल्स, ठीक है, फिर नेशनलिटी लिख दिया इंडियन, फिर लैंग्वेज नोन लिख दिया इंग्लिश हिंदी, ठीक है, समझ में आ गई बात, अच्छा लग रहा है ना इस तरीके से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ सेमी कॉलम फिर यहाँ लिख दिया, फिर यहाँ सेमी कॉलम फिर यहाँ एक्स वाई जेड, फिर यहाँ फिर ये 28, ऐसे नहीं चलेगा बच्चों, ध्यान रखना। फिर ऐसे ही एजुकेशनल अकेडमिक क्वालिफिकेशन आएगा, तो आप अकेडमिक क्वालिफिकेशन ऐसे मेंशन कर सकते हो यहाँ पे कैपिटल में, अकेडमिक ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप चाहो तो पूरा एक टैबुलर चार्ट भी बना सकते हो कि कैसे इसे लिखना है, फिर उसमें आप बोर्ड ऑफ एजुकेशन हो गया, आपका क्लास हो गया, ठीक है, या कोर्स हो गया आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा फिर आपकी परसेंटेज, ईयर ऑफ पासिंग, ये चार अलग अलग आप कॉलम्स बना सकते हो, ठीक है, फिर उसके हिसाब से आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो सारी चीज़ें। फिर एडिशनल क्वालिफिकेशन, फिर ऐसे एक्सपीरियंस लिखोगे, फिर कंपनी का नेम, पोजीशन पे किस पे काम किया है, किस ईयर में काम किया है, तो इस तरीके से आपको ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे बतानी होंगी। अगर आप रेफरेंस बुक देखोगे तो वहाँ पे भी आपको दिखाई दे जाएगा। वर्क प्रोफाइल में एक और पॉइंट आ जाता है, दैट इज रेफरेंस। रेफरेंस में आपको एक ऐसे बंदे का नाम लिखना होता है जो आपके वर्क प्रोफाइल को जानता है, जिसको जिससे के साथ आपने काम किया है। आप किसी भी प्रीवियस कंपनी में करने वाले किसी बंदे का नाम भी वहां पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आपको बायोडाटा लिखना है, और बायोडाटा लिखना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस उसमें इस चीज का ध्यान रखना होता है कि जब आप लिख रहे हो तो आप प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ सारी की सारी चीजें लिखो। अगर आपने इन चीजों को फॉलो कर लिया तो बायोडाटा जो है वो बहुत ही खूबसूरत बन जाएगा, ठीक है। आई होप बच्चों आप लोगों को अभी तक तो सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अच्छा, एक और चीज बता दूं बच्चों मैं, वो ये है कि मैं एक स्पेशल क्लास लेने वाला हूँ, ठीक है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली होने वाली है बच्चों 2nd of January को, ठीक है, एक स्पेशल क्लास मेरी होने वाली है 2nd of January को। तो कोशिश करना कि 2nd January वाली जो मेरी क्लास होगी उसके अंदर आप एनरोल जरूर कर लो, अगर किसी ने अभी तक एनरोल नहीं कराया स्पेशल क्लास में, एंड देयर विल बी अ स्पेशल टॉपिक विच विल बी हैविंग, ठीक है। तो मेरा जो प्रोफाइल का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिलेगा, आप वहां पे यू नो एनरोल कर सकते हो। और अगर पहली बार आप ऐप इंस्टॉल करके एनरोल करोगे तो आप एक कोड यूज कर लेना, इस कोड, ये कोड है SUTH10, इस कोड को यूज जरूर कर लेना, ठीक है। अच्छा, अगर आप मेरी स्पेशल क्लासेस को ज्वाइन करते हो ना अनअकैडमी ऐप पे, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। एक तो ये कि आपको ना क्वेश्चन टैब मिलता है, जहाँ पे आप अपने पर्सनल क्वेश्चंस भी भेज सकते हो मेरे से पूछने के लिए। लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन होता है, जैसे यूट्यूब पे जब हम बात कर रहे होते हैं तो मेरी बात जब मैं बोलता हूँ उसके 4 से 5 सेकंड बाद आपको पता चलती है, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं होता, ठीक है। लाइव पॉल क्विजेज हो गई, पॉल लीडर बोर्ड हो गए, हर एक वो चीज जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब आपको पता चलता है, तो इट इज रियली वेरी वेरी गुड, ठीक है, समझ में आ गई बात। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि देखो, अगर तुम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हो ना, तो इससे फायदा तुम लोगों को ये होता है बेसिकली कि तुम्हारे को कोई भी अपडेट जो है मिस नहीं होती, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई क्लास मिस ना हो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि कौन सी क्लास में ऐसी कौन सी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के अंदर हिट होने वाली है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम सारी क्लासेस को ज्वाइन करो, बक्स बाउंड्री में पार्टिसिपेट कर लो, इससे तुम्हें प्राइजेस मिल सकते हैं। होता क्या है कि अगर कोई भी ऐसा कॉन्टेंट है अनअकैडमी के किसी प्लेटफॉर्म पे जो इनअप्रोप्रिएट है यूट्यूब पे, तो तुम उसे रिपोर्ट कर सकते हो, रिपोर्ट फॉर्म के थ्रू कर सकते हो, जो नीचे लिंक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है बाउंड्री फॉर्म का, ठीक है, बक्स बाउंड्री फॉर्म का। और लेकिन तभी करना जब तुम्हें लगे कि यार कोई प्रॉब्लम हुई है क्लास में या कोई स्लाइड है, तभी करना, वरना फायदा नहीं है करने का, ठीक है। और आई होप बच्चों आप लोगों को जॉब लेटर का टॉपिक समझ में आ गया होगा। मेक श्योर बच्चों आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो, शेयर जरूर कर दो, कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो, मेरी क्लासेस की नोटिफिकेशन तुम्हें मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक शेयर करना तो भूलना ही नहीं, और अपने जितने भी यार दोस्त हैं उन सबको बताओ क्लासेस के बारे में कि सुमित भैया पढ़ाते हैं, कैसा पढ़ाते हैं, कैसा नहीं पढ़ाते। आज की क्लास के नोट्स अगर तुम्हारे को चाहिए तो डाउनलोड कर लेना, ठीक है, और वो जो नोट्स हैं तुम्हें मिल जाएंगे लिंक पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो बच्चों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय कहना चाहूंगा और टेक केयर, और कोशिश करो कि सारी की सारी क्लासेस को अटेंड करो और कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है। और एट द एंड आई वुड से कि जो 4 जनवरी को, ध्यान से सुनना, 4 जनवरी को जो मेरा प्लस कोर्स स्टार्ट हो रहा है उसके अंदर आप लोगों को ज्वाइन जरूर करना है, और प्लस बैच में एनरोल करने के लिए जो कोड है SUTH10
इस कोड को यूज जरूर करना है, दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल कोड, तो इस कोड को यूज जरूर करना है, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।